हेलो गाइस, फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में गेट 2024 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एंड इसमें इस वीडियो में सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगा, सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे या बिंग पे कहीं भी गेट 2024 टाइप करना, अब सर्च करना, तो सबसे फर्स्ट लिंक जो आएगा IISc, मतलब gate2024.iisc.ac.in। तो ये वेबसाइट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है, जो बैंगलोर में है, जो टॉप कॉलेज है भारत का। एंड एक लौता ये कॉलेज है दुनिया में, मतलब भारत का, जो दुनिया में स्टैंड आउट करता है। तो वो कॉलेज इस बार गेट का एग्जाम ले रहा है। तो बस उस पर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। तो इस पर आप देख सकते हो गेट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ सकते हो। बाकी जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा, मैं उस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो हमारा रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त से शुरू होने वाला, पहले 24 अगस्त था, पर कुछ कारणों की वजह से इसे 30 अगस्त कर दिया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है वो सितंबर में है, 29 सितंबर में, ठीक है, क्लोजर डेट ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन, ये विदाउट लेट फाइन। और अगर आप लेट फाइन दे के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका डेट है 13 अक्टूबर तक। बाकी यहाँ लिखा हुआ है लाइबल टू चेंज, ये डेट चेंज हो सकता है किसी कारणों की वजह से, तो उसके लिए कोई नहीं है, पर 30 अगस्त से चालू हो जाएगा इस बार ऐसा लग रहा है। एंड इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, हमें जैसे मान लो कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है, अब जैसे बीटेक के लिए क्या SCS IIT है ना, तो हमें सबसे पहले गेट पेपर्स पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद गेट 2024 पे क्लिक करने के बाद तो वेट कर लेते हैं हम। जैसे देखो ये सब आ गया, हाँ, तो गेट टेस्ट पेपर इस ब्रांच में टेस्ट लेने वाला है गेट कितना। बाकी ये डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया ब्रांच आया है, नया ब्रांच ऐड किया। बाकी ये सब का तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो मैं भी जैसे मैं जिस कॉलेज में हूँ, तो मेरा ब्रांच भी है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर मैं अभी तक CSIT से मतलब तैयारी कर रहा था। बाकी पढ़ाया तो ज़्यादा मुझे ये भी, पर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सिलेबस है वो भी मुझे पढ़ाया गया है। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको सिलेबस डेटा साइंस का। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें जितना भी काई स्क्वायर, कंडीशनल PDF, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कॉन्फिडेंस इन जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब मुझे पढ़ाया गया है। बर्नौली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे पढ़ाया। बाकी लीनियर अलजेब्रा में अभी पढ़ाया गया है, पर कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है टॉपिक जो नया है। बाकी कैलकुलेशन ऑप्टिमाइजेशन ये तो सभी में आ रहा है, प्रोग्रामिंग एंड TBMS भी दोनों में आ रहा है। बाकी इसमें जो नया दो चैप्टर है वो मशीन लर्निंग एंड AI। बाकी देखो मशीन लर्निंग और AI इसमें बहुत सारा टॉपिक है। इसमें मुझे के मेन्स, के मेडोइड्स इसे पढ़ाया गया, क्लस्टरिंग, टॉप डाउन, बॉटम इसे पढ़ाया गया। बाकी कुछ कुछ टॉपिक जो है ना शायद वो अलग है, जैसे SVM हो गया। बाकी डिसीजन ट्री में पढ़ा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉलेज में पढ़ाया जाता है जिसका सिलेबस ये है, बाकी AI ये भी पढ़ाया जाता है, पर वही है कि आप गेट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो गेट के लिए थोड़ा सा तो डिफरेंट सिलेबस होगा ही, या फिर मोड ऑफ अप्रोच, या फिर क्या पढ़ना चाहिए गेट के लिए या फिर स्पेशली, तो उसके लिए अलग है। तो उसके लिए उसमें मैं बाद में बताऊँगा आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो। बाकी आप जैसे देख लो इतने सारे मैं एग्जाम्स ले रहे हैं, बाकी आप टू पेपर भी दे सकते हो। तो अगर आप CS लिए हो, CS के स्टूडेंट्स हो, तो आप DA का भी एग्जाम दे सकते हो, एंड सिविल, कंप्यूटर साइंस, सॉरी मैकेनिकल, कोई भी है जो DA, जो डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका एग्जाम दे सकता है। तो मैं इस वीडियो में ये कह रहा था कि DA का तैयारी करना है तो करना कहाँ से है, तो आप जानते ही हो फिजिक्स वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को निराश नहीं करता। वो जैसे ही देखा कि गेट 2024 में DA का नेक्स्ट नया सिलेबस से रजिस्टर किया गया, नया सिलेबस ऐड किया गया, तो बस अपने पे वो कोर्स निकाल दिया। और यही है ना मार्केट का डिमांड, मतलब मार्केट के डिमांड से चल रहा है। तो मुझे और किसी के बारे में नहीं पता, मैं जैसे ही देखा कि फिजिक्स वाला में आ चुका है, तो मैं सोचा क्यों लूँ किसी का, मतलब लूँगा नहीं, मतलब ऐसा क्यों, मैं देखा ही नहीं किसी और का, बस इसमें आ गया है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखें जैसे प्राक्रम गेट 2024 डेटा साइंस एंड AI, इसमें 3000 में आपको मिल रहा है ये बैच 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, एंड 2900 3000 में मिल रहा है आपको। बाकी ये सब आपका सिलेबस से सिलेक्ट पढ़ाया जाएगा, पीछे पीछे पढ़ाने वाले हैं इन्हें तो जानते ही होंगे, कृष्ण नायक सर को, है ना। तो INEURON जितना था कंपनी, अब तो फिजिक्स वाला ले लिया है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टीचर्स अच्छे अच्छे हैं, आप यहाँ से कोर्स ले सकते हो। बाकी वीडियो के लिंक, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, अगर वहाँ से आप लेते हो तो 100 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आपको DA में देना है तो प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर अभी से आप शुरू करते हो तो अभी से मोस्टली 5 मंथ है आपके पास, है ना, तो फरवरी में एग्जाम होगा, तो मैं एक महीना, सॉरी फरवरी के शुरू में एग्जाम होगा ना, तो सोच लो इस मोटामोटी आपके पास 5 मंथ्स ही है, आपको 4 मंथ से पूरा सिलेबस कम्प्लीट करना है, तो वो कर देगा गेट वाला, सॉरी फिजिक्स वाला, तो उसने आपको दिक्कत नहीं लेनी है। बाकी इससे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एप्टीट्यूड भी है, कैलकुलस, डाटा बेस, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर हाउसिंग, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग, लीनियर अलजेब्रा। एंड इसी बात के साथ, इसी वाणी के साथ मैं अपने
वीडियो को विराम देना चाहूँगा। ओके थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू।